छोटे सब आर्टिकल की तरह आप मान सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। एकदम नहीं आया था क्या? आज का जो टॉपिक है हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टिंग प्लेट्स। आज के इस लेक्चर में मैं छोटी छोटी दो चार चीजें कवर करूंगा, तो आप उनको ध्यान से देखते जाना है। मल्टीपल की कॉन्सेप्ट हैं, जगह जगह काम आते हैं, लेकिन क्योंकि वो कई बार मिस हो जाते हैं तो वो जरूर ध्यान रखना है हमको। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं आज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टिंग प्लेट्स। दो कंडक्टिंग प्लेट्स मैंने दिखाई हुई है यहाँ पे, एक को चार्ज Q1 दिया गया है, दूसरे को Q2। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इफेक्ट होगा या कैसे इसके ऊपर फाइनली सिचुएशन होगी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो हमारा दो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, और वो सारा चीज़ें मैंने यहाँ पे उन एस्पेक्टों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ तीन बातें लिखी हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो हमें एक तो ये बात ध्यान रखनी होगी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो आता है फॉर आइसोलेटेड सिस्टम होता है, तो वो आप समझ पाएंगे अभी, उसी को हम बात करेंगे। जो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज कंजर्व रहता है, एक हम इंड्यूस चार्ज की बात करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इनसाइड द मेटल। तो देखिए, यहाँ पे मान लीजिए हमारा चार्ज आ गया है प्लस वाला, यानी कि इस क्यू अमाउंट वाले चार्ज जो दिया गया वो नेट तो क्यू ही है, लेकिन कुछ क्यू यहाँ आ चुका है। इसको मैं थोड़ा प्लस रेड में दिखा लेता हूँ, और सामने जो चार्ज आ गया है, मान लीजिए, अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से पहले हम पहली चीज यूज करें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Q1 चार्ज टोटल है, Q चार्ज यहाँ आ गया, तो इसकी आउटर सरफेस पे जो चार्ज आ जाएगा वो आपका होगा Q1, इसमें से ये माइनस करके आप लिख लीजिए, ऐसे होगा। अब सामने जो चार्ज आएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट अब काम करेगा इंड्यूस चार्ज। ये अगर पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेस इसके क्लोज में रखी हुई है तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो आप ध्यान रखिएगा इक्वल इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है, कंडक्टिंग है, सफिशियंट इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस क्वांटिटी को मैं माइनस क्यू लिख लेता हूँ। जब ये माइनस क्यू हो गया, लेकिन ऑल टुगेदर इस प्लेट पे चार्ज क्यू टू रहना है, तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, इस प्लेट पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहां चार्ज आएगा आपका Q2 प्लस Q, क्योंकि ये आउटर सरफेस का चार्ज, ये और ये मिला के हमारा Q2 होना चाहिए, तो Q2 प्लस Q और माइनस क्यू को जोड़ेंगे तो आपका Q2 आ जाएगा। अब मैं यहाँ तीसरी चीज अप्लाई कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे जीरो करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के लिए मैं यहाँ पे कोई पॉइंट P मान लेता हूँ, तो P पॉइंट पे फील्ड की, इसलिए देखते हैं फील्ड कैसे कैसे आ रही है, किस डिस्ट्रीब्यूशन से आ रही है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन आउटसाइड में है चार्ज का, प्लेट के एरिया को हम A मान लेते हैं, ये आइडेंटिकल प्लेट है, A एरिया वाली प्लेट है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कंट्रीब्यूशन हमारे चार डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, ये वाला नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो मैं इसको ऐसा कहता हूँ, ये पहली प्लेट यानी आउटर को 1 बोल देता हूँ, इस सरफेस को 2 बोल देता हूँ, इसकी इनर वाली को 3 और इसको 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट, बाद में उनका नेट लगा लेंगे, लेकिन किधर होगा तो आप डायरेक्शन के साथ समझ लीजिए थोड़ा सा। ये चार्ज जो आ रहा है, ये फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इधर है और ये पॉइंट इधर है, तो हमारा फील्ड का डायरेक्शन इसका राइटवार्ड होगा, या इधर ब्रैकेट में लिखेंगे राइट। तो इसको ऐसा कहिए, ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो सिग्मा का मीनिंग होगा Q/A। Q कितना दे रखा है यहाँ पे, Q1 अपॉन, ये हमारा सिग्मा हुआ और एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिख लूंगा राइट, ये टुवर्ड्स राइट, राइट वर्ड कुछ भी आप लिख लीजिए, जस्ट आप समझ गए होंगे, मैं आपका आगे तो एरो लगा दूंगा। तो ये इधर की तरफ हुआ दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड सेकंड सरफेस ही है, इसके ऊपर चार्ज क्यू आया है, क्यू चार्ज अपीयर हुआ है, पॉइंट इधर है, तो इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपका फील्ड इधर की तरफ आएगा लेफ्ट वाइड। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नेट चार्ज आपका क्यू आ गया, इसका सिग्मा निकालने के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए ए का डिवाइड होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वाला फॉर्मूला यहाँ बन गया, यहाँ लिख दूंगा लेफ्ट लेफ्ट वाइड, ये फील्ड इधर होगी। दो फील्ड में और भी लिखता हूँ, E3 हमारी थर्ड सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये फील्ड देखिए
जो माइनस आ रहा है तो डायरेक्शन माइनस के हिसाब से देख लेंगे और बाकी हम देख लेंगे। तो डायरेक्शन माइनस आ रहा है तो फील्ड इधर कंट्रीब्यूट करेगा। तो जो ग्रीन वाला दिख रहा है, मैं ग्रीन का फील्ड ग्रीन से ही दिखा देता हूँ, इस पर फील्ड में इधर कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसको मैं यहाँ लिख लूंगा राइट, राइट बर्ड होगी और होगी कितनी, ये होगी हमारी क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन। ऐसे ही मैं ई फोर भी लिख लेता हूँ। पहले मैं एरो लेफ्ट राइट राइट पर करूंगा, बाद में इनका नेट निकाल दूंगा। यहाँ पे हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी वजह से फील्ड कैसे होगी, अब ये इधर आ गया। हम इसको नेगेटिव अपने हिसाब से एज्यूम नहीं करेंगे, नेगेटिव तो बाद में साइन में अपने आप निकल के आता है, तो हम इसको पॉजिटिव एज्यूम करेंगे। तो जो कुछ आएगा फाइनली आएगा, तो हम कहते हैं यहाँ पे कुछ चार्ज पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से ये जो फील्ड आएगी हमारी इस वाले की वो इधर आएगी लेफ्ट वर्ड। तो हम लिखेंगे क्यू टू प्लस क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन, ये लेफ्ट वर्ड फील्ड हुई। अब मुझे क्या करना है, नेट फील्ड इन साइड द मेटल मस्ट बी जीरो। तो इन सबका सम लगाना है। सम लगाने का मतलब लेफ्ट वाले एक तरफ, राइट वाले एक तरफ। देखिए लेफ्ट वाले कौन से हैं, दिस इज लेफ्ट, ये वाले और ये वाले। अब डायरेक्शन अपने हिसाब से मान लीजिए, मान लो राइट वाइड डायरेक्शन को मैं प्लस मानता हूँ, इफ दिस डायरेक्शन इज प्लस, फील्ड क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर के हिसाब से वेक्टर ये नहीं लगाना है, इसको माइनस मानते हैं। तो माइनस वाले कौन से फील्ड होंगे, लेफ्ट वाइड वालों को माइनस साइन दे दो, ये माइनस हो गया और इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, ऐसे करिए। बाकी दोनों प्लस हो जाएंगे, तो इनका इक्वेशन यहाँ लिख लीजिए और उसको जीरो के बराबर पुट करेंगे। तो जस्ट हम लिख लेते हैं, ये वाले पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव वालों को पहले लिख लीजिए, कोई नहीं, क्यू वन माइनस क्यू, या सम लगा सकते हैं सभी का, कैसे भी कर लीजिए। यहाँ पे ए एप्सिलॉन आ जाएगा, नेगेटिव वाले लिख लेता हूँ, चलिए कोई नहीं, क्यू ए एप्सिलॉन प्लस वाला आएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन माइनस के साइन के साथ आएगा, ब्रैकेट रहेगा, क्यू टू, क्यू टू प्लस स्मॉल क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। देखिए ये दोनों खत्म हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज जीरो। तो यहाँ लिख लीजिए जीरो। जीरो होने के बाद ये नीचे डिनोमिनेटर हमारा जीरो में गुम हो जाएगा, ऊपर ऐसा होगा, यहाँ माइनस साइन के साथ आता आएगा। और अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व भी कर दें तो आप इसको नीचे टाला सकते हैं, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, बीच का साइन ये माइनस यूज कर लीजिए, ये खत्म हो चुका है। माइनस साइन यूज करके इसको लिखिए क्यू टू प्लस क्यू, ये मल्टीप्लाई के बाद जीरो में गुम हो गया, और जीरो में गुम होते ही यहाँ थोड़ा सा, चलिए मैं जगह यहाँ ले देता हूँ, ये नीचे तो मैं इधर से इधर जाता हूँ, आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है क्यू वन, क्यू वन इसका साइन क्यू टू माइनस का हो गया, और माइनस क्यू एंड माइनस क्यू हो जाएगा यहाँ ब्रैकेट में, तो टू क्यू होगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो हमें यहाँ पर क्यू के बारे में जानकारी मिल जाएगी, तो स्मॉल क्यू जो आ जाएगा हमारा, डेट वुड भी आप समझ पाएंगे, ये इधर ले जाएंगे तो सीधे आएगा क्यू इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू अपॉन आ जाएगा टू। तो इस सरफेस का चार्ज मुझे पता चल गया, और जब मुझे अननोन क्वांटिटी पता लग गई है तो बाकी देखिए चारों का डिस्ट्रीब्यूशन, चारों के लिए चार डिस्ट्रीब्यूशन मैं तुरंत ही लिख पाऊंगा, बहुत सिंपल मैथ है, कुछ भी नहीं है। आपको ये तो समझ में आ चुका है, जितना क्यू है उतना माइनस क्यू यहाँ आएगा, तो हम इस वाले का थ्री का डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, ये हमारे प्लेट टू का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, मतलब सरफेस टू फॉर थ्री, सरफेस थ्री के लिए तो आपको माइनस क्यू करना है बस, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, तो बड़ा सिंपल है, इट इज माइनस क्यू। तो इसके ऊपर चार्ज जो अपियर होगा वो माइनस ऑफ दिस वैल्यू होगा, तो आप इसको ऐसे बोल दीजिए या फिर माइनस ऐसे कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्यू टू माइनस, ये क्यू वन माइनस क्यू टू आया है, वो क्यू टू माइनस क्यू वन आ जाएगा, ये अमाउंट आप समझ रहे हैं, क्यू टू माइनस क्यू वन। तो आपको समझ में आ गया, अपोजिट नेचर के चार्ज आएंगे, सिंपल सी बात है। ये आपका थर्ड नंबर का प्लेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब देखिए अब आउटर वाला देख लेते हैं, आउटर के पहले डिस्ट्रीब्यूशन पे चार्ज आता है क्यू वन माइनस क्यू, तो फॉर फर्स्ट
फर्स्ट लेयर का मतलब आउटसाइड सरफेस, तो मैं इनको वन और फोर जो है वो आउटसाइड सरफेस है, तो मैं इनको आउटसाइड सरफेस बोल दूंगा यहाँ पे। यही कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है, आउटसाइड सरफेसेस, आउटसाइड सरफेसेस, आउटसाइड सरफेस वन वन भी है फोर भी है, दोनों के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आउटसाइड सरफेसेस ध्यान रखता हूँ, तो वन एंड फोर, तो ये दोनों आउटसाइड सरफेस हुए। तो आउटसाइड सरफेसों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा ही आता है, आप अभी वेरीफाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिखना है मुझे Q1 माइनस क्यू, माइनस क्यू का मतलब ये वाला, तो Q1 माइनस Q2 अपॉन टू, ये निकलेगा आपको आउटसाइड सरफेस। ये अमाउंट जो भी आ रही हो, मैं फिलहाल वैसा बोल रहा हूँ, तो उसके हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ क्या आ रहा है यहाँ करके। सॉल्व करेंगे टू क्यू वन हो जाएगा, टू क्यू वन माइनस क्यू वन, माइनस खोलने से प्लस क्यू टू हो जाएगा अपॉन टू। सो दिस चार्ज विल बी, सिंपल मैथ है सॉल्व करिए, तो ये चार्ज जो आएगा आपका, दिस वुड बी एक्चुअली क्यू वन प्लस क्यू टू हो जाएगा, ये क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू आएगा। तो यहाँ याद रखें क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू, यही सेम यहाँ पर भी आएगा। अगर आप चेक करेंगे तो आप इसे प्लस कर देंगे तो भी बात वही रहेगी, क्योंकि देखिए क्यू टू क्या था, क्यू टू हमारा इसका रिवर्स था। हाँ देखिए, अगर ये करेंगे आप वेरीफाई कर लीजिए, अदरवाइज दोनों का सेम आता है वैसे, पर जस्ट चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फोर्थ प्लेट के लिए बात कर लेंगे, फोर फोर पे लिख देते हैं, फोर्थ का सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा क्यू टू प्लस ये वाला क्यू, तो इसमें प्लस कर दीजिए ये वाला, यहाँ टू क्यू टू हो जाएगा, सॉरी ये ई करना पड़ेगा, माइनस में ई वाला, क्यू वन माइनस क्यू टू ही करना पड़ेगा, क्योंकि ई आ रहा है क्यू, क्योंकि पॉजिटिव में रखना है हमको, तो आप इसे क्यू वन माइनस क्यू टू के सेंस में रखना पड़ेगा। और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आप देख रहे होंगे ये टू क्यू टू हो गया, माइनस क्यू टू होगा, तो ये क्यू वन क्यू टू बचेगा, क्यू वन ऑलरेडी है यहाँ पे, तो मैं क्योंकि ये आएगा इतना ही, मैं सीधा लिख देता हूँ। तो यहाँ फिर अब कॉन्सेप्ट डेवलप करें क्या है, यानी इस इलस्ट्रेशन को पढ़ने में या इसमें हमने क्या सीखा। तो जो हमने सीखा वो ये है, आउटर सरफेस पे क्या होता है, चार्ज हमारा जितनी भी प्लेट होती हैं उनकी चार्जों के सम के बराबर आता है। ये मैंने टू के लिए आपको बताया, लेकिन यही फॉर्मूले अगर तीन चार पाँच प्लेटें हों तो हमें यही चीज़ें या हमारे पास यही कॉन्सेप्ट से मैं आपको सवाल अभी करके बताऊंगा और आप भी कर पाएंगे। तो आउटर सरफेस पे जो चार्ज आता है वो आता है सरफेसेस में इंडिविजुअल सरफेसेस के चार्ज का बाई टू, यानी उनका मेन आ जाता है, सबको जोड़ दीजिए बाई टू कर दीजिए, तो इस तरह का चार्ज आ जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। तो इस ये जो हमारा डबने जो डेवलप किया आइडिया, इसको हम थोड़े से ज्यादा वाले प्लेटों पे कर लेते हैं। और अंदाजे से मैं चार्ज कुछ भी लिखूंगा और हमारे पास वो लिखना बड़ा आसान होगा, तो यहाँ समझ गए। मैंने एक प्लेट ही ले ली है, चार्ज अपने हिसाब से कुछ भी दे देंगे, चार प्लेटें ले लेता हूँ, चलिए वैसे हम पाँच छः सात कितने भी ले सकते हैं। यानी जो आउटर प्लेट होती है आउटर सरफेस पे, उस पर चार्ज सभी चार्जेस की सम का बाई टू आता है बस, और बाकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से और इंडक्शन से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाली बात फिर इनके डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान नहीं आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इन तीनों से कम चल जाएगा, इन दोनों से डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे आप। और आउटर प्लेटों पर चार्ज तो तीन बातें काम आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो जो था हमको ये प्रूव करने के लिए काम में आया। अब जो हम डिस्ट्रीब्यूशन रैंडमली जब करेंगे, तो ये हमने बेसिक सेंट्रल आइडिया के हिसाब से हमने एक अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया है, उस कंक्लूजन को अप्लाई करेंगे अब। और उस कंक्लूजन के लिए तीसरी बात जो आपको आएगी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा, इंडक्शन इंड्यूसिंग चार्ज लगेगा, और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ये डेवलप हुआ कि आउटर प्लेट एक्सटर्नल प्लेट्स चार्जेज ऑन एक्सटर्नल या आउटर सर्फेसिस बोल देते हैं इसको, ज्यादा ठीक रहेगा। आउटर प्लेट्स आउटर सर्फेसिस बोलना पड़ेगा, वुड बी यहां लिखते हैं सम ऑफ चार्जेस
सम ऑफ ऑल चार्जेज बाई टू। तो ये हमने डेवलप कर लिया यहां से कि जितने भी चार्जेज होंगे उनके आधार पे हम कर लेंगे। तो मैं यहाँ एक प्लेट फोर और भी ले लेता हूँ। ये फोर क्यू ले लेता हूँ, इसको माइनस टू क्यू ले लेता हूँ, इसको कुछ थ्री क्यू ले लेते हैं। इसको सेवन क्यू ले लेते हैं, टेन, ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया। तो ये हमने चार्ज इनको इन प्लेटों पे ये चार्ज दिए हैं, तो हमें निकालना है हर सरफेस पे चार्ज लिखना है हमको, जितनी भी सरफेस बन रही है। तो सरफेस कितनी बन रही है, देखिए वन इधर वाली, टू ये वाली बन रही है, थ्री इसकी इधर वाली है, और ये वाली है फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हमें बस यही करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कुछ चार्ज अपने हिसाब से लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको अप्लाई करने का तरीका है, आप इसको रिवर्स अप्लाई करिएगा। रिवर्स का मतलब है पहले आप ये उठा लें, सबसे पहले आप सम ऑफ चार्ज, क्योंकि इसके लिए तभी डिस्ट्रीब्यूशन अंदर कर पाएंगे जब पहले हो, क्योंकि ये चीज क्या हो गई, ये चीज गारंटेड हो जाती है, मैं इसकी गारंटी है। तो गारंटी वाले को पहले उठा दो। तो गारंटी का मतलब है सबको जोड़ दो और ये कर दो, तो ये बिल्कुल गारंटेड है कि चार्ज ऐसा होगा। ये इसकी गारंटी इसीलिए है क्योंकि टू एंश्योर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज जीरो, तो जीरो एंश्योर करने के लिए ये गारंटेड लॉ है। तो आप सीधा कर दीजिए, इसका मतलब मुझे ये प्लस ये सारे जोड़ देने हैं। तो यहाँ जो आउटर सरफेस पे चार्ज आएगा दैट इज ऑन फर्स्ट एंड एट्थ, उसके लिए मुझे निकाल देना है चार्ज ऑन फर्स्ट एंड एट्थ। तो इसके लिए आपको करना है सम ऑफ ऑल चार्जेस। देखिए टोटल लगा दीजिए, फोर क्यू माइनस टू क्यू प्लस, इसको मैंने बोला था थ्री क्यू प्लस सेवन क्यू बाई टू। जरा चेक करेंगे बार कितना हो रहा है। तो ये हो गया हमारा, ये तो टू हो जाएगा, थ्री और सेवन, मुझे लग रहा है टेन ही हो गया, टेन और टी, ये ट्वेल्व टी हो, ट्वेल्व क्यू हो रहा है, ट्वेल्व क्यू बाई ट्वेल्व सॉरी टू, तो इट इज सिक्स, ये मिल रहा है मेरा सिक्स क्यू, सिक्स क्यू मिल रहा है। तो इधर मैं लिखूंगा कि इधर चार्ज आ जाएगा सिक्स क्यू और इस वाले पे चार्ज आएगा सिक्स क्यू। उसके बाद फर्दर अप्लाई करना है आपको। अब आप अप्लाई करिए, इसके बाद जो अप्लाई करना पड़ेगा आपको, अब यहाँ पे ये सेवन क्यू जो डिवाइड हुआ है वो इससे हुआ है इस प्लेट पे। तो अब इस वाले गारंटी वाले के हिसाब से अब आपको जाना पड़ेगा कंजर्वेशन। तो थोड़ा लॉजिक समझ लीजिए। अब सेकंड आप इसे अप्लाई करिए, क्योंकि हमें इस प्लेट पे चार्ज का, यानी मुझे यहाँ चार्ज कितना चाहिए वो चाहिए, उसके बाद इंडक्शन अप्लाई होगा। कंजर्वेशन का मतलब है सेवन के दो बच्चे हुए, एक बच्चा है हमारा सिक्स क्यू, तो दूसरा कितना रह जाएगा, उसी में से कंपोनेंट बनाना है। तो चार्ज बच गया क्यू, तो क्यू चार्ज किधर अपियर होगा, इधर अपियर होगा। तो यहाँ लिख दीजिए क्यू, क्यू का मतलब प्लस का है नेचुरली, आप समझ गए। जब यहाँ क्यू अपियर हो गया तो सामने वाली प्लेट पे कितना अपियर होना है, माइनस क्यू। तो अब क्या होगा, ये दो जो लॉ है ये सिक्वेंशियली लगते रहेंगे इनके ऊपर, वो आप देख लीजिएगा कैसे लगाने हैं। तो पहले आउटर का निकालिए, पर बेसिक मैकेनिज्म ये रहेगी, पहले आउटर का निकाल लीजिए, देन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से इन पे डिसाइड कर लीजिए, फिर बीच में आपका कभी इंडक्शन कभी कंजर्वेशन बीच में अप्लाई होते रहेंगे। यहाँ पे माइनस क्यू आ गया, तो सामने वाली प्लेट का गारंटेड माइनस क्यू लिख दीजिए। माइनस क्यू इस वाली सरफेस पे हो गया, लेकिन ऑल टुगेदर इसका मतलब दूसरी सरफेस ही हो सकती है। तो इसका चार्ज और इसका चार्ज मिला के कितना होना चाहिए, थ्री क्यू होना चाहिए। तो इस पे जो चार्ज आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, फोर क्यू आना चाहिए, तभी तो हमारा प्लस का फोर क्यू और माइनस फोर क्यू पे थ्री क्यू होगा। तो यहाँ पे हमारा हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किया, देन इंडक्शन इफेक्ट लगाया, फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाया, फिर इंडक्शन लगाएंगे। इंडक्शन का मतलब जब इस पे फोर क्यू आ जाएगा तो सामने वाले पे बिल्कुल गारंटी है कि माइनस का फोर क्यू आ जाएगा। तो हमने इंडक्शन लगा दिया, इंडक्शन इफेक्ट के बाद फिर हम लगाएंगे, अगर माइनस क्यू फोर क्यू यहाँ आ गया, लेकिन इसके पास तो टू माइनस का टू क्यू ही था, तो यहाँ कितना है, यानी यहाँ पे जो चार्ज आएगा उसका सम और इसका सम मिलकर माइनस टू क्यू होना चाहिए, तो इसके पास आएगा टू क्यू। ठीक है, तो टू क्यू प्लस का दे देंगे, तो प्लस का टू क्यू प्लस फोर क्यू के माइनस का टू क्यू रहेगा। इसके ऊपर प्लस का थर्ड लेयर पर ही आ चुका है, तो सामने कितना आना चाहिए, माइनस का टू क्यू होना चाहिए। और ये भी देख लीजिए, ये गारंटेड बैठ बैठ जाएगा, जैसे आप इसे माइनस टू क्यू देंगे तो माइनस टू क्यू प्लस सिक्स क्यू, तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा कि ये हमारा फोर क्यू हो गया। तो ये तीन चीजें जो हैं आपस में बिल्कुल कनेक्टेड हैं, और ये बिल्कुल सेट फॉर्मूला है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बस आपको पहले आउटर का चार्ज निकाल दीजिए, फिर कंजर्वेशन के बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएं,
फिर इंडक्शन कंजर्वेशन इंडक्शन कन्वर्जन सीक्वेंशली लगाते जाएं और सीक्वेंशली आपको सारी प्लेटों के चार्ज आपको लिखना आ जाएगा। ये बहुत फिर सिंपल सी ट्रिक रह जाएगी। तो चलिए एक कॉन्सेप्ट तो हमारा ये हुआ, फिर हम आगे चलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी वैरायटी आपको कहीं मिलेगी, एससीबी में मिलेंगी और भी कहीं मिलेंगे, तो आपके लिए बिल्कुल ये रामबाण वाला तरीका हो चुका है, आसानी से कर देंगे आप। अब हम प्लेटों की एक इफेक्टिव कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं कि अगर हमारी प्लेटें होती हैं तो उनके बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी बनती है। अगर हमारे पास मल्टीपल प्लेट्स लगा रखी हों तो मल्टीपल प्लेटों के कैपेसिटर कैसे क्रिएट होते हैं वो हमको देखने होंगे। तो देखिए, तो हम लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ मल्टीपल प्लेट्स। कैपेसिटेंस ऑफ मल्टीपल प्लेट्स, तो कैपेसिटेंस ऑफ मल्टीपल प्लेट्स के लिए मैं कुछ आपको प्लेटों के कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ कि कैसे उसकी कैपेसिटेंस निकालते हैं। मान लीजिए मुझको ये प्लेटें लगी हुई हैं, मतलब हमारे मल्टीपल प्लेट वाले कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर में दो प्लेटें होंगी पर प्लेटों के डिफरेंट डिफरेंट मेटल की प्लेटों के अरेंजमेंट में उनके बीच में कैपेसिटेंस जनरेट होती है, तो वो हम कैसे देखेंगे। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे आपको यहाँ चार प्लेटें दिखाई पड़ रही होंगी, 1, 2, 3 और 4, और ये दो सिरे दिखाई पड़ रहे हैं, यानी ये 1 और 3 एक से सिक्वेंशली हो गई और 2 और 4 एक से हो गई। ये अरेंजमेंट मल्टीपल तरीका अलग अलग तरह का हो सकता है, ये भी हो गया। मैं इसको आप कॉन्सेप्ट मानिए, क्वेश्चन मानिए, उसके हिसाब से समझ लेंगे और क्या तरीके या तरीका क्या रहता है वो अच्छी है। तो इसी से हमको वो लॉजिक समझ में आ जाएगा। अभी हमने प्लेटें ले ली और कैपेसिटेंस हमें जनरेट करनी है कि ए और बी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो आपको क्या करना होता है, आप ऐसा कर लीजिए, जस्ट आप इसको एक वर्चुअली बैटरी मान लीजिए कि मान लो इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया हो, क्योंकि इनके हमें इफेक्टिव कैपेसिटर बनाने पड़ेंगे, कितना कैपेसिटर बन रहे हैं इसमें। तो ऐसा मान लीजिए, चाहे ए को आप पॉजिटिव से जोड़िए नेगेटिव जोड़िए कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप बैटरी से जोड़ेंगे तो एक एक पॉइंट कितने पे पहुंच जाएगा, वी पोटेंशियल पे पहुंच जाएगा। ऐसा मेंटली आप बैटरी कनेक्ट करके सोच लीजिए कि एक बैटरी पे दबे लगी है, तो ये पोटेंशियल आपका जीरो होता है, यहाँ वी होता है, तो यहाँ कनेक्टिंग वायर है, यहाँ पोटेंशियल का लॉस नहीं होता है, नो पोटेंशियल ड्रॉप, देयरफॉर दिस पॉइंट विल बी एट वी, दिस पॉइंट विल बी एट जीरो। अब इसको कैसे हम कन्वर्ट करें, तो कन्वर्ट करने का तरीका है, इसका इक्विवेलेंट मुझे बनाना पड़ेगा कि ये कितना कैपेसिटर बन रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, मान लो ये पॉइंट वी पर है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कितने कितने के बीच में, किस पोटेंशियल के बीच में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं कैपेसिटर, क्योंकि वो वेदर सीरीज में हो रहे हैं या वो पैरेलल में हो रहे हैं वो समझ में आपको आएगा यहाँ पे। तो देखिए, हमारे पास दो ही पॉइंट मिल रहे हैं, यानी इनको मैं देख रहा हूँ, तो सारी प्लेटों का पोटेंशियल क्या हो रहा है, यानी ये पॉइंट वी यहाँ कनेक्ट है तो ये वी पे पहुंच गई प्लेट, वी पोटेंशियल पे, और ये जैन सर, जैन सर, जैन बोलिए। ये सर सूट ठेकेदार और इसके साथ 3 आदमी, इनकी परमिशन है सर, इसमें आधार कार्ड में दी हुई है अपने सर। कौन, राजीव सूद है? रितेश सूद नहीं, हाँ मैंने इनका कार्ड बना रखे हैं। ठीक है, जाने दो ना। ठीक है, ओके। जीरो पोटेंशियल पर होगा, तो अब हमें क्या करना है, कैपेसिटर बनाने हैं, तो एक पॉइंट हमें वी पोटेंशियल पे मिल रहा है, एक पॉइंट हमें कोई जीरो पोटेंशियल के बीच में बना लीजिए। अब हम क्या करेंगे, कैपेसिटर कनेक्टर नहीं को यूज करेंगे। तो देखिए, प्लेट 1 और 2 की स्थिति क्या है, प्लेट 1 यानी इसके बीच में, देखिए तो कितने कैपेसिटर यहाँ बन रहे हैं, प्लेट 1 देखिए, तो प्लेट 1 और 2 क्या कर रही है, 2 यहाँ कनेक्ट है, तो जैसे आप प्लेट बनाएंगे ये 2 प्लेट हो गई, 2 प्लेट 0 से कनेक्ट कर दीजिए, तो इनके बीच में एक कैपेसिटर क्रिएट होगा, बी और 0 के बीच में।
प्लेट वन यहाँ कनेक्ट हो गई और टू जीरो से कनेक्ट है, तो इसको एक कैपेसिटर की तरह से माना जाएगा। इसी तरह से आप कैपेसिटर बनाएंगे थ्री और टू के बीच में, तो थ्री और टू के बीच में आपकी जो स्थिति होगी, थ्री आपका वी पे कनेक्ट है तो आप ऐसे ले जाइए, ये प्लेट आपकी थ्री हो गई है और साथ ही साथ आपकी एक फोर प्लेट कनेक्ट हो रही है, फोर जीरो पे कनेक्ट हो रही है, इसको यहाँ कनेक्ट कर दीजिए और देखिए क्या हो रहा है। तो वन और टू की बात कर ली आपने, वन और टू के बीच में एक कैपेसिटर बन चुका है। अब देखिए टू और थ्री के बीच में देख लेते हैं एक बार, टू और थ्री का क्या हो रहा है, टू जीरो पर है, थ्री वी पर है, ओके। और हमने ये कैपेसिटर बनाया है वो थ्री फोर पर बन गया, थ्री हाँ ये फोर जीरो पे थी बिल्कुल ठीक है, और थ्री था। एक कैपेसिटर और भी चाहिए, एक कैपेसिटर मुझे टू और थ्री के बीच में चाहिए, तो हमारे पास टू प्लेट जो है वो टू यहाँ से कनेक्ट है, तो आप यही मान लीजिए प्लेट टू ये एक तरह से, और यहाँ आ जाएगा थ्री। जैसे वन वी पे, वन जो है वो वी पे कनेक्ट है, ऐसे ही थ्री भी वी पे कनेक्ट है, यानी जो थ्री प्लेट है वो यहाँ कर लीजिए, प्लेट नंबर थ्री वो वी पे ही कनेक्ट है, यानी थ्री की पोटेंशियल वी है, तो थ्री ये जो बना हमारा टू और थ्री, तो टू और थ्री प्लेटें कनेक्ट हो गई, उनके बीच में कैपेसिटर आ गया, वन और टू के बीच में एक आ गया, आप देख रहे हैं वन और टू के बीच में एक है, वी एन जीरो के बीच में, वन और टू का एक कैपेसिटर है, टू और थ्री का एक कैपेसिटर है जीरो वी होने के कारण, और ये वी और जीरो पर है, इनकी पोटेंशियल डिफरेंट है, ये कैपेसिटर है, तो हमारे पास इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ये आ गया। तो जो वी पे आपने कनेक्ट किया था वो ए पॉइंट था हमारा, और यहाँ जो कनेक्ट किए थे आपने सारे तो यहाँ जो कनेक्ट किया वो ये स्थिति है। कुल मिलाकर के आपके कितने कैपेसिटर यहाँ क्रिएट होंगे, ये कनेक्ट हो गए, तो इसकी कैपेसिटेंस सी मान लिया, इसकी कैपेसिटेंस सी मान लें, इसकी कैपेसिटेंस सी मान लें, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आप निकालेंगे कैसे, तो कैपेसिटेंस जो है मल्टीपल प्लेटों पे हमारे तीन कैपेसिटर बन गए, तो अगर ये सारे सी हैं तो ये आप देख रहे हैं कैसा कनेक्शन है, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देख लीजिए, और पैरेलल कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे बनती है, सम हो जाता है, तो सी इक्विवेलेंट या सी इफेक्टिव उसको कह सकते हैं, वो हो जाएगा मेरा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, लेकिन सारे के सी वाले ही हैं, यानी हमने प्लेटों के गैप वही रखे हैं, वही प्लेटें उतना एरिया है, तो हर प्लेट यानी हर कैपेसिटर जो क्रिएट हो रहा है वो सी वाला है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस मेरी हुई थ्री सी। इसमें एक दो और करेंगे तभी आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी, और लेते हैं मैं कोई दूसरा ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ये कैपेसिटर ले लिया, एक प्लेटों का अरेंजमेंट ऐसे है, यानी ये तो प्लेटों का बस ये प्लेट प्लेटें जुड़ी हुई हैं, चाहे हम इसे ऐसे राउंड में जोड़ दें या ऐसे भी जोड़ दें किसी भी, और ये पोटेंशियल यहाँ से दिया जाएगा, मतलब जो एंड आ रहे हैं वो हमारे यहाँ है, तो ए पॉइंट ही हो गया, बी पॉइंट ही हो गया, तो जस्ट आप इसे फिर से वैसा कर लीजिए, बैटरी कनेक्ट करने ऐसा तरीका है, यानी ए को मान लो, चाहे बैटरी बना भी कनेक्ट करें, इसको वी पोटेंशियल पे मान लीजिए, इसको आप जीरो पोटेंशियल पे मान लीजिए, ये वी और जीरो पे हो गए, लेकिन इन प्लेटों का क्या होगा, इनके ये डायरेक्टली ना जीरो से जुड़े हैं ना बी से जुड़े हैं, तो इनका पोटेंशियल कुछ डिफरेंट होगा, यानी ये किसी अलग पोटेंशियल पे हो सकती है, ना तो वो जीरो पे है ना बी पे, तो ये जो प्लेटें हैं इसका कोई भी पोटेंशियल आप मान लो समथिंग कुछ एक्स मान लीजिए, एक्स मान लें, वी डैश मान लें, वो आपकी मर्जी है, आप अननोन कुछ एक्स मान भी सकते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट मैं बनाने की कोशिश करूंगा कैसे बनेगा। देखिए फिर क्या करते हैं, अननोन वाले को हम बीच में लिख लेते हैं, यहाँ वी पोटेंशियल लिख लीजिए, फाइनली जीरो लिख लीजिए, बीच में कहीं एक्स लिख लीजिए। अब देखिए प्लेटों के नंबर दे दीजिए, वन टू थ्री फोर, वन और टू, देखिए वन और टू के बीच में एक कैपेसिटर क्रिएट होगा, एक्स कितने पर है, जीरो पर है, तो इसका मतलब है टू और वन, यानी वी ये पोटेंशियल ये एक्स पर है, इसको भी यहाँ एक्स ले देते हैं ऐसे, तो x और v के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा, तो v से लेके x के बीच में एक कैपेसिटर बना दीजिए, ठीक है। प्लेटें कौन सी यूज हो गई, प्लेटें लिखनी है तो भी लिख सकते हैं, प्लेट हमारे आपकी मान लीजिए टू यूज हो गई है, टू आपकी v पे जुड़ी है तो इसको टू समझ सकते हैं, और ये वन है तो इसको आप वन समझ सकते हैं। फिर कैपेसिटर देखिए, जीरो से दो और तीन का कैपेसिटर जो बनेगा वो पोटेंशियल v और जीरो के बीच में बनेगा, तो v और जीरो का मतलब है आप ऐसे लाइए, एक कैपेसिटर यहाँ बनाइए जो बी से जीरो के बीच में बनेगा, जीरो पॉइंट जोड़ दीजिए, ये बन गया। प्लेटें देख लीजिए कौन सी यूज हो गई,
टू और थ्री, और टू कहाँ कनेक्ट है, वी पर है, तो ये टू प्लेट जो है कनेक्ट है वी पे, वही प्लेट यहाँ वी टू है, यानी वो टू ही दोनों के बीच में बना रही है, वन के बीच में बना रही थी, थ्री में बना रही थी, तो टू को इतने दो जगह से बन रहा है, और ये आपका थ्री था। अब देखिए थ्री और फोर के बीच में क्या है, फोर हमारा एक्स पर है और थ्री हमारा जीरो पर है, तो फोर हमारा एक्स पर है, तो जो प्लेट फोर है, अब देखिए जो प्लेट फोर है वही वन भी है, वन और फोर कनेक्ट है, तो एक्स पोटेंशियल पर है, तो एक्स का मतलब वन पर भी एक्स कनेक्ट है पोटेंशियल, और इस पर भी कनेक्ट है, तो ये प्लेट हमारी फोर हो जाएगी, यानी फोर और एक्स, ये एक्स पोटेंशियल पर कनेक्ट है, और ये आपका जो आप ये देख रहे हैं थ्री प्लेट वो जीरो पर कनेक्ट है, और देखिए ये थ्री प्लेट यही है, यानी थ्री जीरो पर कनेक्ट है, तो थ्री ने दो इफेक्टिवली दो कैपेसिटर बनाए, फोर के साथ बनाया और टू के साथ बनाया, जैसा कि आपको मतलब डायग्राम को हमको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, आप ऐसा मान सकते हैं, यानी आपको थोड़ा इसको मेंटली समझना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा कि ये क्या सिचुएशन है, ए और बी के बीच में मुझे कैपेसिटेंस चाहिए, ये हमारे एंड होंगे, तो कैपेसिटर बस आपको इसका खोल के कैपेसिटर निकालना है कि कौन सा कैपेसिटर बन रहा है, तो ये कैपेसिटर बन गए, हम कह रहे हैं हमारे इक्वल इक्वल एरिया इक्वल डिस्टेंस की प्लेटें थी, सी सी कैपेसिटेंस है, तो देखिए यहाँ और यहाँ सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसको रिडक्शन कर रहा हूँ, अब रिडक्शन कर रहा हूँ तो सीरीज में कैपेसिटेंस कितनी होती है, सी बाई टू हो जाएगी, तो इसका इफेक्टिव कैपेसिटर अगर इस लाइन में निकालूंगा वो तो मेरा हो जाएगा सी बाई टू वाला, तो सी बाई टू वाला कैपेसिटर इस सी के साथ में पैरेलल में लगा हुआ है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस में निकाल पाऊंगा फिर इन ए और बी पॉइंट के बीच में, वो होगा ए प्लस ए, यानी मुझे करना होगा सी प्लस सी बाई टू, तो कितना हो रहा है आप देखिए, ये हो रहा है मेरा थ्री बाई टू सी, तो ये जो प्लेट ऑफ अरेंजमेंट है इसमें जो कैपेसिटेंस क्रिएट हुई वो थ्री बाई टू सी की क्रिएट हो गई, और जस्ट आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल देगा कि ईच प्लेट इज हैविंग एरिया ए एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको सी की जगह एप्सिलॉन ए बाई डी लिख देना पड़ेगा, तो वहाँ तो हमको कहना पड़ेगा कितनी कैपेसिटेंस हुई, थ्री बाई टू एप्सिलॉन ए ओवर डी, बस ये हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी, और सी के टर्म में दे देगा ईच कैपेसिटर ऑफ सी, तो आपको ही सी के टर्म में आंसर आएगा, तो अगर एप्सिलॉन ए भी ऐसा देगा प्लेट एरिया तो आपको ऐसा आंसर आएगा। तो ये दो क्वेश्चन मैंने बता दिए, दो दो तीन क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ, तो आप इन्हें करके फिर देखिएगा, ऐसे मल्टीपल कई अरेंजमेंट हो सकते हैं, हमने एक अरेंजमेंट ये मान लिया प्लेट वन टू थ्री एंड फोर, इनके बीच में निकालना है आपको, एक एंड ये हो गया और एक एंड हमारा ये हो गया, तो एक क्वेश्चन आपको ये करना है, ये मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा, फोर्थ क्वेश्चन हो रहा है, कैसा भी ये बना सकते हैं, क्या हमारा कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सुन लेते हैं, हाँ ठीक है, दो आ गया तीन आ गए, ओके एक ये मान लीजिए और ये एक ऐसा बना लिया, ये जुड़े हुए हैं और एक एंड ये एक एंड ये, तो इनकी कैपेसिटेंस आप निकाल के क्वेश्चन नंबर ये थर्ड एंड फोर्थ की आप कमेंट्स में अपने आंसर लिखिएगा क्या है, और मैं बताऊंगा, पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें एक बच्चे ने शिवांश ने आंसर लिखे थे बैटरी के चार्जेस वगैरह का मैंने आपको दिया था, तो हालांकि मैं वैल्यू देख नहीं पाया लेकिन नेचुरली वो समझ गए थे शिवांश के आंसर में ठीक ही होंगे, उसमें कोई इशू नहीं, तो आप भी लोग भी करके लिखें, तो ये क्वेश्चन आपको करके आंसर लिखने को मैं, अब एक हम एससीबी का क्वेश्चन इसी पे आधारित करते हैं, मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 33 पे, कि यहाँ पे इन्होंने कुछ कैपेसिटर सा बनाया है, एक प्लेट है बीच में, एक यहाँ एक प्लेट है, ऐसी चार प्लेटें लगी हुई हैं और बैटरी यहाँ कनेक्ट करके दिखाई हुई है, तो हमको प्लेटों का अरेंजमेंट ही देखना पड़ेगा, बाकी इसमें दिक्कत नहीं है कोई,
ऐसे कुछ कनेक्ट किया है, यानी एक तरह से ये जो प्लेट है वो भी वोल्ट पे हो गई और ये आपकी जीरो पे हो गई। तो हमको इफेक्टिवली कैपेसिटर बनाने की मैं कोशिश करूँगा इसमें भी, और दो प्लेटें ऐसे जुड़ी हुई हैं, इन्होंने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया है। और क्वेश्चन में भी पूछा गया है प्लेटें लगी हुई हैं, प्लेटों के एरिया के बारे में बात की है, ईच प्लेट है सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, एरिया जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 96/ε 10^-12 का 12 दे रखा है, और आपसे बोल रहा है इतना एरिया है, एप्सिलॉन की कुछ यूनिट में कन्वर्ट करके उन्होंने दिखाया। मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ फैराड पर मीटर, क्योंकि एप्सिलॉन का यूनिट होता है फैराड पर मीटर, तो उन्होंने कुछ ही फैराड मीटर ऐसा कुछ बोल दिया है। और आपका सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इट इज ऑल्सो गिवन, 4 mm बोल रहा है इसको। EMF ऑफ द बैटरी इज 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा गया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सप्लाइड बाई द बैटरी टू ईच ऑफ प्लेट कनेक्टेड टू इट, तो बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया है, चार्ज सप्लाई बाई द बैटरी कनेक्टेड टू इट, ठीक है। तो ईच प्लेट का मतलब है बैटरी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल सप्लाई करती है, तो बैटरी से मतलब बेसिकली, लेकिन चार्ज कितना सप्लाई किया बैटरी ने वो हम देखते हैं किसी एक प्लेट के लिए। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, पॉजिटिव प्लेट का देख लेते हैं कि कितना चार्ज सप्लाई हुआ है। तो कैपेसिटर जो बनेगा इसका मतलब मुझे इसका इफेक्टिव कैपेसिटर बनाना है, सिंगल एक कैपेसिटर में कन्वर्ट करना है इसको, और फिर मैं चार्ज की अमाउंट कैलकुलेट करूंगा। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन है, अब मुझे समझ में आता है कि ये प्लेट वी पर है, ये प्लेट मेरी जीरो पर है, और बीच की इन प्लेटों का पोटेंशियल जैसे जुड़ी हुई है, मैंने कहा था मुझे कुछ पता नहीं है तो मैं एक्स मान लूंगा। तो मैं क्या करूँ उसका इफेक्टिव कैपेसिटर बना लूँ, तो मैं लिखूंगा ड्रॉ इफेक्टिव कैपेसिटर, इसका इफेक्टिव कैपेसिटर ड्रॉ करने की कोशिश कर लीजिए बस। ये वी पोटेंशियल वाला पॉइंट मान लीजिए, बीच में कोई एक्स वाला मान लीजिए और एक जीरो वाला मान लीजिए। देखिए ये प्लेट वी, ये एक्स पर है, तो V और X के बीच में कैसे भी आप चल सकते हैं, या जीरो और X से चल लीजिए, यहाँ चलने से बढ़ते चलिए। तो जीरो और X, ये भी X पर होगा, ये भी X पर होगा, जीरो और X के बीच में एक कैपेसिटर, प्लेटों के नंबर देने हैं तो नंबर भी दिए जा सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लेट नंबर इसको 1 ऐसा कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, तो 1 और 2 की बात मैंने कर ली, 0 से X के बीच में 1 और 2, तो 2X पर जुड़ा हुआ है, तो इसको इधर 2 प्लेट बोल सकते हैं, इसको आप 1 बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके लिए तो ये V और X के बीच का एक होगा, 2 और 3 प्लेट की जब बात करूंगा तो मुझे बनाना पड़ेगा कैपेसिटर V और X के बीच में। तो X पे जो पॉइंट जुड़ा हुआ है वो आपका 2 प्लेट है, देख लीजिए 2 प्लेट जो इधर भी जुड़ी है इधर भी कैपेसिटर बना रही है, 2 प्लेट जो है दोनों के साथ कैपेसिटर बना रही है। इसी तरह से ये वाला आपका हो गया है, ये 3 प्लेट थी, ये हो चुका है, तो मेरा ये कैपेसिटर बन गया, ये वाला भी बन गया, एक V और X के बीच में और भी बन रहा है। देखिए ये प्लेट और इनका कॉम्बिनेशन देखें तो X और V के बीच में कैपेसिटर यहाँ भी बना, यहाँ भी बना, 2 कैपेसिटर बने हैं। तो 4 प्लेट जो आ रही है, 4 हमारी X पर है, X पोटेंशियल ये है, तो X का मतलब है 4 तरह से यहाँ जुड़ा हुआ है, ये प्लेट 4 है जो X पोटेंशियल पर आ जाएगी, और 4 के साथ ये प्लेट कौन सी हमारी 3 है, देख लीजिए 3 है, तो 3 ने 2 के साथ कैपेसिटर बनाया, 3 ने 4 के साथ भी बनाया, और ये V और 0 के बीच में आपको निकालना होता है बैटरी के, ये जो पॉइंट है इनके बीच में कैपेसिटर चाहिए। तो इफेक्टिव कैपेसिटर जो मेरा बना वो ऐसा बन जाएगा, ये ड्रॉ हो गए प्लेटों की सिचुएशन आपको समझ में आ रही होगी जरूर। ये अब हर कैपेसिटर में सी का मान लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ईच प्लेट का एरिया और डिस्टेंस एरिए कुछ फिक्स दे रखा है, बाद में से कैलकुलेट करेंगे, सेम दे रखा है, तो हर कैपेसिटर जो बनेगा वो सी वाला बनेगा, बराबर डिस्टेंस बराबर एरिया, तो ऐसा मान लीजिए सी। इसका इफेक्टिव कैपेसिटर बनाइए, इफेक्टिव कैपेसिटर सी प्लस सी 2C, तो ये आपका हाँ सी वाला ओके, तो ये 2C हो गया, और 2C का एक सी के साथ और लगा हुआ है, और 2C और सी, तो मैंने इसका एक फॉर्मूला बताया था आपको, सी और 2C वाला कैपेसिटर जब हो तो आपको कुछ नहीं करना होता, एक फॉर्मूला होता है हमारा इफेक्टिव कैपेसिटेंस का, वैसे तो आप आसानी से निकाल ही लोगे,
तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2/3 ऑफ छोटा वाला कैपेसिटर, तो 2/3 C, जब सीरीज में लगे होंगे तब 2/3 C आएगा। वैसे आप रेसिप्रोकल करके 1/2 C 1/C निकाल सकते हैं, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो 1/C इक्वलेंट इक्वल्स टू आप ऐसा लिखिए 1/C + 1/2 C एंड फाइंड x इक्वलेंट, इतना आएगा। अगर ये इतना आ चुका है तो मुझे तो निकालना है चार्ज कितना दिया बैटरी ने, ठीक है ना, बैटरी ने कितना चार्ज किया दिया, तो जो आपको फाइंड करना है वो जो चार्ज सप्लाइड बाई द बैटरी है, चार्ज सप्लाइड बाई द बैटरी, मतलब मैं क्या करूं, मैं इफेक्टिव ये निकाल लेता हूं, तो इसका मतलब है ये सारा कॉम्बिनेशन हटा के मैं सिंगल ये कह सकता हूं, यानी 0 और B के बीच में आप एक कैपेसिटर लगा सकते हैं मात्र, कितने वाला 2/3 C वाला, तो आपका ये पूरी कहानी इसमें कन्वर्ट हो जाती है, ये पूरा सर्किट जो आपको कॉम्प्लिकेटेड से दिख रहा था वो इसमें सिमट के रह गया, यहाँ वैल्यू आपकी आ रही है 2/3 C। 2/3 C का मतलब है 2/3 C का मतलब होता है आपका εn/d, क्योंकि हमको ये दे रखे हैं निकालने पड़ेंगे। बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करती है, तो चार्ज सप्लाइड बाई द बैटरी जो होता है वो होता है आपका क्यू, क्यू इक्वल टू सी बी से निकलता है, तो चार्ज सप्लाई करेगी बैटरी वो होगा 2/3 C εn/d (V)। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, ये सप्लाई करेगी चार्ज बैटरी, इसका मतलब मुझे वैल्यू पुट कर देनी चाहिए, दैट्स ऑल। तो यहाँ मैं अभी निकालता हूँ, देखिए क्यू इक्वल टू सी बी, सी का वैल्यू ये आ गया 2/3 ε ऊपर आ रहा है, एरिया आपको अच्छी बात है कि 96/ε में दिया हुआ था, तो 96/ε लिखा हुआ है, जिससे कि एप्सिलॉन की कहानी खत्म हो जाएगी, यहाँ से देख लीजिए। और मल्टीप्लायर जो है एरिया में 10^-12 वाला है, नीचे लिखा हुआ है 4 mm, 4 mm का मतलब है 10^-3 लिख लीजिए इसको, और बी की वैल्यू आपको ध्यान है 10 वोल्ट की बैटरी थी, हाँ बिल्कुल, बैटरी पोटेंशियल इज 10 वोल्ट, यहाँ 10 लिख लीजिए, तो यहाँ आप देखिए क्या आएगा, ये आपका 24 हो जाएगा, ठीक है 24, 3 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं सिंपल सा है, तो ये 8 × 2 = 16 हो जाएगा, यहाँ 16 आएगा, और ओके हाँ अब देखिए यहाँ 10^11 भी रह जाएंगे, क्योंकि 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 10^11 और 3 और ऊपर आएंगे, तो मैं कहूँगा यहाँ पे 11 में से 3 और माइनस हो जाएंगे, तो -8 हो जाएगा। इसको माइक्रोकूलम के फैक्टर में कन्वर्ट कर दें अपन, तो माइक्रोकूलम फैक्टर का मतलब है मैं 10^-6 बनाता हूँ इसको, तो मैं इसको 2 डेसिमल इधर लाऊंगा, तो मैं इसे कह पाऊंगा इतना इतना कूलॉम, या तो आप इतने कूलॉम छोड़ दीजिए, सॉरी 6 हो जाएगा ये, इधर यू कैन राइट पॉइंट इतने इतने कूलॉम, और यू कैन राइट दिस आंसर एज 0.16 माइक्रो कूलॉम। तो ये जो आंसर आ रहा है इसको ध्यान रख लेते हैं, तो आंसर विल बी 0.16 माइक्रो कूलॉम, इतना चार्ज बैटरी सप्लाई करेगी, ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से एक इससे नेक्स्ट क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट, बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है मुझे लग रहा है, तो अगला क्वेश्चन और देखिए। यहाँ 34th नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे बोल रहा है द कैपेसिटेंस बिटवीन द एडजेसेंट प्लेट शोन इन द फिगर इज गिवन, यहाँ 3 प्लेटें दी हुई हैं आपको, इस तरह से 3 प्लेटें दिखाई हुई हैं, और कहता है कि कैपेसिटेंस बिटवीन एडजेसेंट प्लेट्स, तो एडजेसेंट प्लेटों के बीच का कैपेसिटर जो है अपना 15 नैनो फेराइड का कैपेसिटर है ये। अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलॉम इज प्लेस ऑन द मिडिल प्लेट, चार्ज इस पर प्लेस किया गया है 1 माइक्रो कूलॉम, 1 माइक्रो कूलॉम मिडिल पर प्लेस किया गया है। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ अपर प्लेट, तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा उसको आपसे पूछा गया है यहाँ पे।
हाँ तो चार्ज आप देखेंगे सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाएगा, तो मैं कहूँगा देखिए ये बिल्कुल सिमेट्रिक कैपेसिटेंस से सेम है, तो मैं कहूँगा इसके ऊपर जितना चार्ज आएगा वो 50-50% डिवाइड हो गया। तो ड्यू टू सिमेट्री और कैपेसिटेंस क्या है, एक जैसी स्थिति मेंटेन होगी, तो यहाँ 0.5 माइक्रोकूलम आएगा, 0.5 माइक्रोकूलम यानी आधा आधा डिवाइड हो गया। जब यहाँ 0.5 माइक्रोकूलम आ जाएगा तो देखिए इसके इनर सरफेस पे, हालांकि अपर से हमारे इस बारे में पूछा गया है कितना चार्ज है, तो हम देखेंगे जितना प्लस का ये आ गया उतना यहाँ पे माइनस का 0.5 माइक्रोकूलम आएगा इसके इनर वाले पे। लेकिन अब आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखना पड़ेगा। अब केवल चार्ज जो दिया गया है मिडिल वाले प्लेट को दिया गया है, यानी इसके पास कितना चार्ज था, इनिशियली इसके पास तो चार्ज 0 ही था, यानी ना तो इस पर कोई चार्ज था ना तो हमारे नीचे वाले प्लेट पर कोई चार्ज था। हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया, कुछ कैपेसिटेंस क्रिएट हुई इसके बीच में और हमने चार्ज यहाँ रख दिया, तो इसको सिमेट्रिक सिचुएशन में आधा आधा इस पर डिवाइड दोनों लेयर पे हुआ। इसके बाद यहाँ पे इंडक्शन इफेक्ट से आपने देख लिया माइनस का चार्ज आ गया, लेकिन ऑल टुगेदर तो 0 रहना है यहाँ पे चार्ज, इसका मतलब है ऊपर कितना चार्ज आना चाहिए, तो अपर सर्फेस पे चार्ज जो आना चाहिए वो प्लस का 0.5 माइक्रोकूलम ही आना चाहिए। तो जो अभी मल्टीपल प्लेटों का कॉन्सेप्ट देख रहे थे एग्जैक्टली ये वही है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेगेटिव तो बीच में विनायक का क्वेश्चन आ रहा है, इसको मैं अभी बाद में देखूंगा, क्यों फ्लो में उतना मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आपने कहाँ पूछा था ये सर, आई थिंक यू हैव कनेक्टेड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी इन द अपोजिट डायरेक्शन। चलिए इसको मैं भी एनालिसिस करूंगा क्या आपका क्वेश्चन है। वो डायग्राम हमने शायद मिटा दिया तो समझ नहीं पा रहे अभी कहाँ आप पूछ रहे थे। यू हैव कनेक्टेड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी इन द अपोजिट डायरेक्शन। एनीवे आई विल आंसर दिस क्वेश्चन, क्या आपका क्या है। एक हम देख लेते हैं छोटा सा कॉन्सेप्ट और लेते हैं जल्दी से, तो वो होता है हमारा फोर्स बिटवीन द फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पोटेंशियल। देखिए कैपेसिटर की प्लेटें क्या होती हैं, आपको मालूम है अपोजिटली चार्ज होती हैं, तो अपोजिट नेचर के चार्ज होने की वजह से उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, तो उसको हम जस्ट यहाँ अकाउंटिंग करें इसकी। और ये चार्ज हमारा अंदर आता है, कैपेसिटर प्लेटों के ऊपर चार्ज इन साइड पर ही रहेगा जो फेसिंग प्लेटें हैं। देखिए एक पे चार्ज आएगा उसका अपोजिट चार्ज नहीं आएगा, तो कैपेसिटर प्लेटों के लिए क्या होता है, कैपेसिटर के लिए जो चार्ज यहाँ क्यू आया तो इस पे आता है माइनस क्यू, और ये इनर सरफेस पे होता है, तो नेट चार्ज जो होता है वो हमारा कैपेसिटर का नेट चार्ज अगर देखें दोनों प्लेटों का तो वो होता है 0। तो नेट चार्ज 0 होता है, तो आप अभी कॉन्सेप्ट में देखा था कि आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आता है, इन दोनों प्लेटों के सम का √2 आता है। अगर मैं कहूंगा इस प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू है इस पे माइनस क्यू है, तो आउटर सरफेस पे चार्ज इधर कितना आएगा, आप समझ सकते हैं कितना हो जाएगा ये 0, क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू बाई टू, ऐसे ही आप आउटर सरफेस पे चार्ज समझ सकते हैं 0। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कंडीशन है हमारी उसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा, कैपेसिटर जब भी होगा तो कैपेसिटर जब बनाए जाएंगे दो इनके बीच में, तो आपका चार्ज इनर सरफेस पर ही रहता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो केवल यहाँ चार्ज होगा क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वाला जो कैपेसिटर की बेसिक डेफिनेशन है उसमें यही है कि टू कंडक्टर क्लोजली प्लेस टू कंडक्टर हैविंग अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, इसमें ये सिंपल सी बात है, तो इस वजह से ऐसा होता है। तो अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज उनके ऊपर आएंगे तभी वो एक कैपेसिटर है, अदरवाइज प्लेटों के अरेंजमेंट्स हो सकते हैं वो कैपेसिटर नहीं होगा फिर। जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेट हैं और क्वेश्चन हमारे अलग अलग चार्ज देने के आए, जो हमने अभी किया था चार प्लेटें ली थी 6Q 4Q 3Q कुछ भी लिख देंगे वो कैपेसिटर फिर नहीं मानेगा, मल्टीपल प्लेट का सवाल होगा। कैपेसिटर में आप हमेशा इनर पर मानिएगा चार्ज, तो इनर के ऊपर ही आ गया। अब यहाँ हम फोर्स की बात करें तो फोर्स में क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डेवलप होती है,
तो आप समझ सकते हैं अपोजिट नेचर के चार्ज है, तो नेचुरली फील्ड इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो उस फोर्स की हम अकाउंटिंग करते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम किसी एक प्लेट की फील्ड यूज करते हैं। देखिए दोनों की फील्ड की वजह से हमारी होती है फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, लेकिन हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड टू एक प्लेट हमको ए और बी मान लेते हैं, या फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं, पहली प्लेट ये है दूसरी प्लेट ये है। तो इसको निकालने के दौरान हम प्लेट टू को, इस प्लेट टू को इलेक्ट्रिक फील्ड वन की वन में रखा हुआ मानते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट यहां लिख लेते हैं फॉर कैलकुलेटिंग फोर्स बिटवीन प्लेट्स, प्लेट टू इज एज्यूम टू बी प्लेस, टेकन टू बी प्लेस, एज्यूम टू बी प्लेस, कुछ भी आप कह दीजिए, टू बी प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन। तो प्लेट टू को इलेक्ट्रिक फील्ड वन में रखा हुआ मान लीजिए और फोर्स लगा दीजिए, निकाल दीजिए। तो हम यही मान लेंगे ये प्लेट यहाँ रखी हुई है, इसकी फील्ड में रखी हुई है, तो इसकी फील्ड में कितना चार्ज है, और चार्ज का माइनस क्यू है, यानी ऐसा माना जाएगा माइनस क्यू जो है, माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा गया है। और फील्ड ड्यू टू वन कितना होगा, आप उसे लिख लीजिए फील्ड ऑफ फर्स्ट प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट प्लेट। तो एक प्लेट के कारण से जो फील्ड होगी वो होगी हमारी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, या फिर आप इसे कह पाएंगे हमने क्यू पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव मानिए प्लेट एरिया ए मानेंगे, वही स्टैंडर्ड पैरामीटर है, यहां लिखना पड़ेगा क्यू अपॉन टू आ जाएगा ए टू एप्सिलॉन, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो दिस इलेक्ट ये वाला क्यू माइनस क्यू चार्ज, इस प्लेट का चार्ज इसकी फील्ड में आ गया, ये यूनिफॉर्म फील्ड है ऊपर की रहती है। यहाँ पे एक कैपेसिटर में थोड़ा सा फील्ड का आपको बता देंगे फ्रिंजिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं, तो बिल्कुल जब सिरे पे चले जाते हैं तो फील्ड फिर थोड़ा सा ऐसे आती है, लेकिन हम फिर भी उसको स्टैंडर्ड माने, आइडियल कंडीशन माने, तो फ्रिंजिंग इफेक्ट को इग्नोर कर सकते हैं। तो फील्ड ये पूरा प्लेट इसकी फील्ड में होता है, यूनिफॉर्म फील्ड में ये मानते हैं, बिल्कुल आउटर कोर पे फील्ड बाहर की तरफ बेंड होती है, दिस इज कॉल्ड फ्रिंजिंग इफेक्ट ऑफ फील्ड। लिख लेते हैं क्योंकि बात समझ में आ गई यहाँ पे, फ्रिंजिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लाइनें आपको वो डायग्राम ध्यान होना चाहिए, आउटर की तरफ बेंड होती हैं, ऐसे ऐसे घूम घूम भी जाती हैं। तो इसका मीनिंग है मुझे फोर्स निकालना है, ये चार्ज क्यू है, तो चार्ज क्यू इसमें प्लेस है, तो फोर्स आप देख लीजिए, फोर्स एफ इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है क्यू ई, और क्यू ई का मतलब अगर आप माइनस लिखोगे तो माइनस का मीनिंग होगा फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है, और अमाउंट लिख लेंगे तो क्यू लिख लीजिए खाली, अगर आप विद माइनस यूज कर लेंगे तो फोर्स की वैल्यू माइनस आएगी, और माइनस इंडिकेट्स दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या फॉर्मूला आ जाएगा, फिर क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन इंटू क्यू करना पड़ेगा आपको, सो दिस फोर्स विल बी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन, ये हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन होगा। और ये फोर्स के एक्सप्रेशन में क्यू की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू बदल बदल के हमारा अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन भी आ जाते हैं, तो बेसिक फंडामेंटल हमारा क्यू स्क्वायर बाई टू ए एप्सिलॉन है, बाकी हम डिफरेंट डिफरेंट अगर वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा में कन्वर्ट करें, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करके, तो वो भी निकल आएंगे। तो दिस इज अवर फंडामेंटल फॉर्मूला एंड वी कैन यूज इन अदर फॉर्म ऑफ दिस फोर्स ऑल्सो। तो चलिए मुझे लग रहा है आपको बात समझ में आ गई होगी, आज इतना छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे कंटिन्यू क्लास, कल हम देखते हैं इवनिंग में या तो रख पाएंगे, इवनिंग में रखेंगे, 1.5 आवर की क्लास पॉसिबली रखेंगे, इससे कुछ और कंसेप्ट हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे अपने। ओके, टाइम निकालना आपने, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।